100 बसें और 2 ट्रेन चलाए जा रहे हैं जो श्रमिक मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का काम करेंगी। इसकी शुरुआत झांसी स्टेशन से की गई। झांसी से 1000 मजदूरों को लेकर ट्रेन जौनपुर कुशीनगर के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 के चलते काम न मिल पाने की वजह से मजदूरों की घर वापसी जारी है और हर दिन 5000 से ज्यादा मजदूर देश के अलग अलग कोने से झांसी पहुंच रहे हैं। दतिया बॉर्डर, शिवपुरी बॉर्डर, कानपुर रोड समेत कई क्षेत्र से झांसी पहुंचने पर मजदूरों को उनके गंतव्य की ओर यहां से रवाना किया जाता है। इसके लिए अब हर दिन 2 ट्रेन अलग अलग दिशाओं में भी जाएंगे। झांसी के पैरामेडिकल में मजदूरों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई और खाने को भोजन देने के बाद रवाना किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतिदिन लगभग 6000 से लेकर 9000 की श्रमिकों का जो आगमन हो रहा है, सरकार की तरफ से ये इस वक्त ये कहा गया है कि जो आ रहे हैं उन लोगों की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके, प्रॉपर स्क्रीनिंग करके उनको बॉर्डर से छोड़ दिया जाए। और जो पैदल आ रहा है उन लोगों के लिए तो 100 UPSRTC बसेस की व्यवस्था की गई है और प्रतिदिन 2 ट्रेन की व्यवस्था भी की गई है। तो जो पैदल आए हैं उन सब लोगों को हम लोग अपने ट्रेन के माध्यम से, तो इंट्रा स्टेट ट्रेन है जो पहली बार जो सरकार की तरफ से और बोर्ड की तरफ से जो शुरू की गई है।